नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के खितको गांव में एक शादी समारोह में बाराती और घराती में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से कई लोग घायल हैं। इन तस्वीरों में देखिए, ये है लड़की की माँ जो इस मारपीट की घटना में घायल है और रो रो कर अपने हाथों से निकल रहे खून को दिखा रही है। मारपीट हुआ है, बराती को खाना पीना जैसा ही हम खिला नहीं सकेंगे वैसा ही खिलाएंगे। हम बोले 150-60 बराती लेके आइए, तो इन लोग बोले नहीं, हम 150 बराती जाएंगे, बोले हमको पावर नहीं है, हम नहीं खिला नहीं सकेंगे। तो बोले नहीं, इतना हम जाएंगे, हम इतना जाएंगे बराती लेके हम जाएंगे। और बोले देखिए, हम गरीब मजदूर हैं, हम कमाते हैं तो खाते हैं, तो हम इतना बराती नहीं सकेंगे। तो बोलता है अकबर, नहीं देखिए कितना खून बह रहा है, देखिए गरीब आदमी हम कैसे कमाएंगे खाएंगे, हम तो हाथ कितना खून बह रहा है। एक तो सुबह से खाना भी नहीं खाएंगे, कल दिन रात तो खाना नहीं खाएंगे। तो फिर रात को झगड़ा कैसे हो गया? रात को झगड़ा हुआ इसीलिए, जब बराती को होता है स्टैंडर्ड खाना, तो हमने बोल दिया हम गरीब आदमी हम स्टैंडर्ड नहीं देने सकेंगे। बता दें कि बारात रामगढ़ से आई थी। इस दौरान सभी बाराती नशे में धुत होकर जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। बाराती वधू पक्ष के द्वारा की गई व्यवस्था को देखकर चिढ़ गए, स्टैंडर्ड खाना खिलाने की मांग करने लगे। इसी बात पर हंगामा हो गया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव में वधू की मां, पिता और भाई सभी घायल हो गए। बारातियों ने टेबल कुर्सी को भी तोड़ दिया, परोसे गए खाने को बर्बाद कर दिया। घटना के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन सभी के समझाने के बाद लड़की ने पिता को कर्ज से बचाने के लिए शादी करने में ही भलाई समझी। पैसा दे देगा, हम अभी भी नहीं करेंगे शादी, अगर अभी वो दे देगा तो कर्ज तो वही भी है। अगर प्रशासन चल जाएगा है ना, और बोलेगा हम पैसा देंगे, हम पैसे उससे ले सकेंगे, और वो अभी हमको दे देगा तो हम नहीं करेंगे। अभी हम क्या करें, बताए दोनों तरफ से जा रहे हैं, अगर उधर छोड़ते हैं तो मेरे माँ बाप कर्ज में ही हो जाते हैं। वही दूसरी ओर दुल्हन के भविष्य की चिंता कर परिजनों ने कानूनी प्रक्रिया भी कराई और वर के पिता से बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराया, ताकि शादी के बाद उनकी बेटी को कोई परेशानी ना हो। मामला ये था कि मैडम फोन की थी थाना प्रभारी, ठीक है, कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है शादी में, इसके लिए हम आए हैं, ठीक है। शादी झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा झटी हुआ था उसका सॉल्व करने के लिए बस हम आए हैं, झगड़ा खत्म हो गया, अब ये लोग क्या करना है न करना है ये लोग अपना दोनों पक्ष करेंगे। बहरहाल मारपीट, विवाद और थाने तक मामला पहुंचने के बाद आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से लड़की की शादी संपन्न हुई। इस खबर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।